हेलो फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, मैं हैरी गिल, मोटिवेशन स्पीकर एंड ट्रेनर। आप सभी लोगों का आज के हमारे स्पेशल सेशन डिजिटल टॉक शो के चौथे एपिसोड में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का एपिसोड और आज का कार्यक्रम आप सभी लोगों के लिए बहुत ही खास और इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको जिस पर्सन से और जिस गेस्ट से मिलवाने वाला हूं, उन्होंने हाल ही में अपने जीवन में सफलता प्राप्त करी है। और दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूं पुआया जिला शाहजहांपुर से अंकित कंचन की। अंकित कंचन जी ने अभी हाल में अपने जीवन में दोस्तों गवर्नमेंट असिस्टेंट टीचर के पद पर अभी सफलता प्राप्त करी है। बताना चाहेंगे दोस्तों कि इन्होंने जब बचपन में दोस्तों ये पढ़कर टेंथ में पहुंचे थे, और जब टेंथ में दोस्तों इन्होंने पढ़ाई करी तो उसके बाद में दोस्तों इन्होंने ट्यूशन पढ़ाना चालू कर दिया। अब ट्यूशन पढ़ा के दोस्तों आगे का जो इनका खर्चा था वो इन्होंने उठाया। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने अपने जीवन में कह सकते हैं अभी तक फाइनेंस कलेक्शन की जॉब करी है। इसके अलावा अपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन शाहजहांपुर में इन्होंने इंग्लिश इंस्ट्रक्टर के रूप में भी वर्क किया है। वहां पर भी दोस्तों पढ़ाया है, बच्चों को काफी सिखाया है। आगे बात करना चाहेंगे दोस्तों, इसके बाद में फिर इन्होंने पतंजलि, दोस्तों आपने कंपनी का नाम सुना होगा, इसमें भी दोस्तों इन्होंने योग टीचर के रूप में काम किया है। और आज दोस्तों अपने जीवन में काफी आगे बढ़ चुके हैं, एक सरकारी टीचर बन चुके हैं। तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए और अपने क्षेत्र में दोस्तों ये प्रेरणा का स्रोत है, और काफी सारे स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए दोस्तों इन्होंने अपना एक जीवन में बदलाव लाकर उनको दोस्तों शो किया है कि कैसे उनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों आज हम लोग मिलने वाले हैं अंकित कंचन से, जो कि पुआया शाहजहांपुर से हैं। तो हम सभी उनका वेलकम करेंगे। तो वेलकम करना चाहूंगा मैं अंकित कंचन का। वेलकम अंकित कंचन जी, आपका आज के हमारे स्पेशल प्रोग्राम डिजिटल टॉक शो में स्वागत है। धन्यवाद सर। ओके, आपके बारे में बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं आपकी सफलता का रहस्य जानने के लिए, और आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जो जानना चाहेंगे कि आपने सफलता अपने जीवन में कैसे हासिल करी। सफलता का राज जानने से पहले जो पहला क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगा, आप अपना वर्ड्स में अपना परिचय दें और अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ से हैं और क्या आपकी क्वालिफिकेशन रही है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका अपने डिस्टर्स होने मुझे ये अवसर देने के लिए। सर, मैं अपने परिचय देने से पहले चंद लाइनों से अपने परिचय की शुरुआत करता हूँ। फिक्र मत कर बंदे, कलम खुदा के हाथ है। फिक्र मत कर बंदे, कलम खुदा के हाथ है। लिखने वाले ने लिख दिया, किस्मत तेरे साथ है। लिखने वाले ने लिख दिया, किस्मत तेरे साथ है। फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या। रख भगवान पर भरोसा और कर मेहनत। देख फिर होता है क्या। ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश, आपका स्वागत है हमारे सेशन में। और चलिए, आप अब अपने वर्ड्स में कुछ अपना परिचय। जी सर। सर, मैं अंकित कंचन जी, पुआया तहसील जिला शाहजहांपुर से हूँ। सर, हमारी जो पढ़ाई है सर, मैंने अपना टेंथ तक जो पढ़ाई है अपना गांव से ही की है जी, और उसके बाद हम ट्वेल्थ में पुआया आ गए थे। पुआया से ही हमारी पढ़ाई सारी हुई है ट्वेल्थ में। हालांकि अगर बात करें हमारी पढ़ाई की, तो पढ़ाई में हमारे काफ़ी कुछ चेंजेस रहे हैं सर। सबसे पहले तो मैं साइंस स्ट्रीम से पढ़ा हूँ टेंथ क्लास, और उसके बाद असल में थोड़ा सा ये था ना कि सर हमको कोई गाइड करने वाला उस समय नहीं था, तो हम जो ट्वेल्थ में पढ़ाई किए हैं सर वो कॉमर्स से हुआ है। यानी टेंथ स्ट्रीम हमारी साइंस से है और जो ट्वेल्थ है वो कॉमर्स से है। उसके बाद भी सर असल में हमारा जो इंटरेस्ट था वो इंग्लिश की तरफ ज़्यादा था। अच्छा, तो इस वजह से सर मुझे कॉमर्स में कोई करियर दिख नहीं रहा था। तो हमारे बीच में हमारी लाइफ में जो ट्विस्ट आया है वो उसी समय आया था जब हम ट्वेल्थ पास हो गए थे। उसके बाद मैं सर आर्ट साइड में आ गया। आर्ट साइड में मैं सर ग्रेजुएशन किया हुआ हूँ, बीए किया है, और बीए जो हमारा वो सात डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर से ही हुआ है। उसके बाद मैंने सर एमए इंग्लिश से किया। एमए इंग्लिश करने के बाद जब सारे लोग जो बीएड को नकार रहे थे सर, तो उस समय भी मैंने बीएड करने का साहस किया, और बीएड करते ही बाय लक मुझे एक चांस मिला कि सर यूपी टेट की तुरंत वैकेंसी आ गई, और उस वैकेंसी में ही मैंने पहली बार में ही बाय द ग्रेस ऑफ गॉड क्वालिफाई कर लिया यूपी टेट को। और यूपी टेट करते ही एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली सर, एक शिक्षक भर्ती निकली और मैं पहली बार में ही उसमें सफल रहा। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे आप टीचिंग में काफ़ी ज़्यादा कैपिटल हैंड है, बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, और टीचिंग भी आपकी एक हॉबी है, इसके अलावा आपकी कौन कौन सी हॉबीज है जो आप करते हैं डेली। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर बात प्लेइंग के करें तो प्लेइंग में मुझे सर चेस खेलना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके अलावा मुझे सबसे ज़्यादा जो शौक है वो सर घूमने का। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि नए से नए प्लेस को घूमने की कोशिश करता रहता हूँ। साथ ही साथ मैं सर अच्छे से अच्छे लोगों से मिलकर उनके बारे में जानने का प्रयास करता हूँ। यही हमारी हॉबी है कि डेली मैं नए से नए लोगों से मिलूँ और उनके एक्सपीरियंस को ग्रहण करूँ, और साथ ही साथ उनसे कुछ नया सीखूँ जो कि हमारी लाइफ में सफलता के लिए कुछ हमारे काम आ सके। ओके, सरकारी टीचर बनने से पहले अभी तक आपकी जो वर्किंग जर्नी है वो क्या क्या रही है और कैसे आपने उसमें स्ट्रगल किया है, जरा ये थोड़ा सा बताएं। देखिए सर, सबसे पहले अगर बात करें, आज मैं भले ही एक सरकारी अध्यापक हूँ, लेकिन सर हमारी जर्नी जो है वो काफ़ी स्ट्रगलिंग रही है। मैं जैसे ही टेंथ क्लास पास हुआ था, तो मैंने सर सबसे पहले एक इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को कोचिंग्स देना स्टार्ट किया।
और उस कोचिंग से मेरी लाइफ में वाकई ट्विस्ट आया है सर। वहाँ से मैं, मुझे भरोसा नहीं था कि मैं खुद एक यूपी बोर्ड का पढ़ा हुआ बंदा और सीबीएसई बोर्ड को पढ़ा पाऊंगा, लेकिन जैसे ही मैंने पढ़ाना शुरू किया उसके बाद मेरा काफ़ी कुछ नॉलेज बढ़ता गया और मैंने सीबीएसई बोर्ड से क्लासेस को स्टार्ट किया और मैं कोचिंग्स पढ़ाता रहा। धीरे धीरे काफ़ी प्रोग्रेस हुई कोचिंग में, लेकिन सर आप जानते हैं कि कोचिंग कहीं ना कहीं मतलब हमारा करियर नहीं था, मुझे और भी कुछ आगे करना था। कोचिंग के साथ ही साथ मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी, पढ़ाई करते ही करते मुझे मैंने बीएड कर लिया, बीएड के बाद मुझे चांस मिला और मैं आगे बढ़ गया। ओके, बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपसे कि जैसे मान लीजिए आपने जो भी पढ़ाई करी उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भी रहा, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसे सारे व्यूअर्स के माइंड में है कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है, आपने अपनी सफलता कैसे हासिल करी और इसके पीछे क्या रहस्य रहा है वो जरा बताएं। देखिए सर, सफलता के पीछे रहस्य तो हमारे हार्डवर्क का ही है, और हार्डवर्क नहीं सर, आजकल जैसा कि आप जानते हैं कि डिजिटल जमाना है तो केवल हार्डवर्क से नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क से सफलता मिलती है। और स्मार्ट वर्क की अगर बात करें सर, तो मैंने स्मार्ट स्टडी प्लान को जो है वो अपनी लाइफ में फॉलो किया है। स्मार्ट स्टडी की अगर बात करें तो सर आप देखते होंगे कि लोग केवल किताबों से ही पढ़ाई करते हैं, तो किताबों से ही नहीं बल्कि हमने कई और बहुत सारे माध्यम थे जहाँ से मैंने स्टडी किया। और आपने देखा होगा कि लोग हमेशा यही कहते हैं कि आप 100% दीजिए सफलता के लिए, आप अपना 100% दीजिए। मेरा एक उद्देश्य था कि मैं 100% नहीं बल्कि 110% देने को तैयार हूँ। 110% में मैंने अपने, जैसे कि मान लीजिए मेरे जो फ्रेंड्स हुआ करते थे, मैं उनको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में टिक लगाने के लिए, यानी अपना मैं समय बचाने के लिए मैं अपने फ्रेंड्स को दे देता था, वो हमारे प्रैक्टिस सेट पर टिक करते थे और बाद में मैं उसको पढ़ लेता था, इससे हमारा काफ़ी कुछ समय बच जाता था। सर साथ ही साथ मैंने एक और जो स्ट्रेटजी है जो अपनाई है वो ये है कि मेरे पास जो भी बुक्स हुआ करती थी उस बुक से, वो बुक्स ही हमारे लिए सफिशिएंट नहीं थी, मैं हमेशा अलग से अलग पब्लिकेशंस की बुक्स को देखता था और कोई भी बुक जो मेरे करियर से रिलेटेड होती थी मैं उसे तुरंत परचेस करके उसको पढ़ता था। ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जैसे आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो रहता है गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो वो आपने कैसे उसकी तैयारी करी और आपका जो मोड ऑफ स्टडी था वो क्या था, ऑनलाइन था ऑफलाइन था, इसके बारे में। देखिए सर, जैसे कि बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो कॉम्पिटिटिव तो मेरा कहीं ना कहीं, मैंने इवन बीएड भी कर लिया था तब भी हमारा नील ही था। अच्छा। क्योंकि सर मैं कॉम्पिटिशन के बारे में, मुझे एबीसी तक नहीं आता। अच्छा। लेकिन जैसे मैंने बीएड किया और देखा कि कहीं ना कहीं केवल बीएड करने से ही जॉब नहीं मिलती है, तो वहाँ पर मैंने कॉम्पिटिशन की तैयारी के लिए कुछ कोचिंग्स का भी सहारा लिया। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि आजकल यूट्यूब पर बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है, अगर व्यक्ति पढ़ना चाहे तो यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने के लिए बहुत अच्छी मिल जाती हैं। यूट्यूब चैनल से मैंने बहुत सारी तैयारी की, साथ ही साथ मैंने नोट्स बहुत सारे बनाए, नोट्स के अलावा मैंने बुक्स खरीदी, प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया, उसके अलावा सर और भी हमारे जो सफल टीचर्स साथी थे उनसे सहयोग लिया और यही सारी सफलता। हाँ, यूट्यूब पर तो हर चीज़ अवेलेबल है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब। आप एक अच्छे क्रिएटर भी वहाँ से सीख कर बन सकते हैं, और आप बहुत सारे काम ऐसे हैं कि अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आ रही हो कि जैसे गूगल गुरु माना जाता है, वैसे ही आजकल यूट्यूब भी कैसे ना कि प्रैक्टिकल वीडियो सहित आपको हर चीज़ वहाँ पर मिल जाती है, नॉलेज गेन कर सकते हैं। वैसे ही आपने भी स्ट्रगल किया और अपनी पढ़ाई यूट्यूब के माध्यम से भी करी, और यूट्यूब एक बहुत अच्छा सोर्स है स्टडी का। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने जो सफलता प्राप्त करी है इसका श्रेय किन किन लोगों को देना चाहेंगे, किन किन लोगों ने आपके जीवन में इसमें रोल निभाया है? जी सर, देखिए सर, हमारी सफलता में लगभग हमारे माता पिता के साथ ही साथ हमारे गुरुजनों एवं अन्य कई लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। लेकिन अगर बात करें तो हमारा जो इस सफलता में विशेष योगदान रहा है वो हमारे पास के ही एक अमित अवस्थी सर जी हैं, मैं उनका हृदय से कोटि कोटि आभार व्यक्त करना चाहूँगा। उन्होंने ही हमारे लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट लाया। असल में था क्या सर, हमारी इंग्लिश जो थी वो कहीं ना कहीं ठीक ठाक थी और मुझे इंग्लिश की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान था। अब होता क्या था सर, हम कॉमर्स से पढ़ाई कर रहे थे और कॉमर्स में भी इंग्लिश तो थी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा टीचिंग की तरफ भी थोड़ा झुकाव था, लगाव था मुझे उधर। उस कॉमर्स से मैं टीचर शायद इतनी जल्दी नहीं बन पाता, तो उन्होंने हमें एक राय दी कि आप, ये आपके लिए इंग्लिश तो अच्छी है ही, तो आप क्यों ना टीचिंग के सेक्टर में आ जाएं और बहुत जल्दी आप जॉब पा जाएंगे। तो मैं उन सर का आज भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मेरी लाइफ में ट्विस्ट। ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे एक टीचर, जैसे आप एक टीचर हैं, ठीक है, एक टीचर को आइडियल टीचर बनने के लिए उसके अंदर कौन कौन सी स्किल और कौन कौन सी ऐसी क्वालिटी उसको डेवलप करनी चाहिए या होनी चाहिए, जरा इसके बारे में बताएं। देखिए सर, एक शिक्षक जो है, अ टीचर इज अ लाइक अ कैंडल विच वर्न्स हिमसेल्फ एंड गिव्स लाइट टू द अदर्स, यानी एक शिक्षक जो होता है वो खुद को जलाकर, खुद को पिघलाकर, खुद का बलिदान करके अपने शिष्यों को जितना भी हो सकता है उतना ज्ञान प्रदान करने की कोशिश करता है। और एक शिक्षक का दायित्व केवल शिक्षा देना ही नहीं होता है बल्कि एक बच्चे के
स्टार्टिंग से लेकर उसके फ्यूचर करियर तक उसका पूरा दायित्व तो रहता है। और उसका केवल कहीं ना कहीं मैं बात करूं तो केवल उसका मानसिक विकास ही नहीं बल्कि सर्वांगीण विकास का दायित्व तो एक शिक्षक का रहता है। और एक रियल शिक्षक मेरे हिसाब से तो वही है जो बच्चे के सर्वांगीण विकास पर फोकस करता है। ओके, आपको बहुत सारी गुड न्यूज अपनी लाइफ में मिली होंगी, बहुत सारी, जैसे कि आपने बहुत बड़ा संघर्ष किया है, कई सारे सेक्टर में आपने जॉब करी अलग अलग जगह से, लेकिन आपको सरकारी टीचर बनने की जो गुड न्यूज है वो जब आपको जिस दिन मिली है उस दिन आपको कैसा महसूस हुआ, इसके बारे में बताएं। जी सर, देखिए सर, जैसा कि मैं बताना चाहूँगा, मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो एग्ज़ाम तो काफ़ी ठीक ठाक गया था, और हालांकि सर कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जब रिज़ल्ट आया था तो कंपटीशन ज़्यादा होने के नाते मुझे ये लग रहा था, थोड़ा सा डाउट लगता है कि हो सकता शायद हमारा नंबर ना आए या बहुत सारी कंपटीशन थी, लेकिन सर जब लिस्ट में नाम था तो मुझे बहुत ही अपार हर्ष की अनुभूति हुई। सर मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा अपने गॉड का, जो अच्छा उस दिन आपके लिए वो बड़ा दिन होगा, ग्रेट डे होगा उसके लिए सर, हमारा बहुत ग्रेट डे था। ओके, और मैं बहुत सारे साथी आपके साथी तैयारी भी कर रहे होंगे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स और हमारे व्यूअर्स हैं जो कि अपने अपने कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, कहीं ना कहीं सबके गोल होते हैं, अपने अपने गोल लेके हर बंदा चलता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप सफल हो चुके हैं तो आपको बेहतर पता होगा कि जैसे जब हम तैयारी करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब हम स्टडी कर रहे हों, और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारा जो मोराल है, मोटिवेशन है, वो लगातार बना रहे। तो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं यहाँ पर, हमारे व्यूअर्स हैं, तो उनको ज़रा बताइए, गाइड करिए कैसे उनको अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। देखिए सर, जैसा कि आपने पूछा है कि किस प्रकार वो अपने स्टडी पर फोकस कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि सर जब आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं या कहीं भी जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, सपोज दैट अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, आप लॉयर बनना चाहते हैं, या कुछ भी जो भी आप करना चाहते हैं, तो केवल आपका एक टारगेट फिक्स हो और आप उसी पर फोकस करें। चार चीज़ों पर फोकस करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आपने सुना होगा कि दो नाव पर पैर रखने वाला अक्सर डूबता ही, तो इसलिए आप फोकस करिए सिंगल चीज़ पर, एक ही चीज़ पर फोकस करिए और आप अपने आप को उस पर झोंक दीजिए। अगर आप एक ही चीज़ पर फोकस करेंगे तो आपको निश्चित सफलता मिलनी ही मिलनी। तो मैंने भी सर ऐसा ही किया था, और मैं अपने जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं या जो लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको भी यही सलाह देना चाहूँगा कि आप अलग अलग टारगेट ना बनाकर एक ही टारगेट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करिए और उस पर फोकस करिए, और उनकी अच्छाइयों और कमियों को देखिए, अच्छाइयों का ग्रहण करके कमियों का सुधार करिए, सफलता आपको निश्चित मिलेगी। ओके, देखिए कॉम्पिटिशन की जब तैयारी करते हैं तो बहुत सारे सब्जेक्ट कवर करने पड़ते हैं, ये आपने नोट किया होगा, और बहुत सारे सब्जेक्ट की आपने भी तैयारी करी, मेहनत करी है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं हमारे बीच में जो कि जिनकी कमांड जो होती है कुछ सब्जेक्ट पर तो बहुत अच्छी होती है, और कुछ सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा वो वीक होते हैं, तो कभी कभी क्या करते हैं कि उनका मोराल डाउन होने लग जाता है, उनको लगता है कि ऐसा है कि मेरा ये सब्जेक्ट कमज़ोर है, इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए सर, ऐसा सबके साथ होता है, क्योंकि नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर परफेक्ट नहीं है। हर व्यक्ति का कोई सब्जेक्ट मजबूत होता है, जैसे मान लीजिए किसी की इंग्लिश मजबूत होती है, किसी की मैथ्स मजबूत होती है, पता लगता है जिसकी इंग्लिश मजबूत है उसकी मैथ बहुत ज़्यादा वीक होती है। तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं उससे डिमोटिवेट नहीं होना है, ये नहीं कि हमारी मैथ वीक है तो हमारा इस वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। आपकी अगर मैथ वीक है, अगर आप मैथ में 30 में से 10 नंबर लाते हैं, तो आप इंग्लिश में फोकस करिए कि 30 में से 30 आ जाए। आप दूसरी तरफ अगर फोकस कर लेंगे तो उसका एवरेज आ जाएगा और आपका सिलेक्शन, मतलब जो उसका मेन सब्जेक्ट है, फेवरेट सब्जेक्ट है, वीक पॉइंट पर ज्यादा फोकस ना करके, यस सर, वीक पॉइंट पर ज्यादा फोकस ना करके जो आपका अच्छा और बेहतर पॉइंट है उसको, उस पर ज्यादा फोकस करिए और उसको एवरेज ले आइए। ओके, वेरी गुड सर। अच्छा सर, एक सरकारी स्कूलों के बारे में धारणा है जी सर, कि सरकारी स्कूल में बच्चे जाते हैं वहाँ पर उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती, ये मानते हैं, उसका कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि उसके जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो टीचर हैं, टीचर स्कूल लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ाते नहीं है, पहले तो वो खूब सारी मेहनत करके सिलेक्शन पाते हैं, लेकिन जब सिलेक्शन हो जाता है तो वो थोड़ा कह सकते हैं केयरलेस हो जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, उनको लगता है मेरा सिलेक्शन हो गया, अब तो मुझे किसी प्रकार के अधिक ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तो थोड़ा ध्यान नहीं देते। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, जो अभी तक रहा है तो उसमें कैसे हम लोग जो नई पीढ़ी है, जैसे आप लोग जो ऐसे सेलेक्ट हुए हैं, उसमें क्या बदलाव ला सकते हैं ताकि हमारे जो सरकारी स्कूलों की जो कहते हैं दिशा और दशा है वो सुधर जाए? जी सर, देखिए सर, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आजकल ज़्यादातर मैंने भी ऐसा देखा हुआ है, लेकिन सर आपने देखा होगा कि अब जो नई भर्ती आ रही है, नई वैकेंसीज में जितने भी टीचर्स आ रहे हैं, सब वेल क्वालिफाइड है। और मुझे लगता है, मैं दूसरों का तो नहीं जानता वो किस प्रकार क्या करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि अपना व्यक्ति को 100% देना चाहिए, और आप जहाँ भी जॉब कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसको अपना समझ के, और उन बच्चों को भी अपना समझना चाहिए, और आप उन बच्चों को अपना समझ कर ही एजुकेट करें, और जो भी आपको दायित्व प्रदान किए जाते हैं उनको ईमानदारी से निर्वहन करें।
अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका विभाग तो सुधरेगा ही, साथ ही साथ आपके काफ़ी कुछ सुधार हो जाएगा। ओके बहुत सारे साथी तैयारी कर रहे होंगे और अपने अपने, जैसे मैंने कहा गोल सेटिंग की, अब मैं बात करना चाहूँगा गोल सेटिंग के बारे में, पूछना चाहूँगा कि जो भी एक कॉमन स्टूडेंट है जो कि ट्वेल्थ कर रहा है या फिर वो ग्रेजुएशन में है, वो अपना गोल कैसे सेट करे, किन चीज़ों को ध्यान में उसे रखना चाहिए कि वो अपना गोल सेट करे, और गोल सेट करने के बाद में उसको पूरा करने के लिए उन्हें कौन कौन सी तैयारियाँ करनी चाहिए, ये थोड़ा सा बताइए, और मोटिवेट कैसे रखा जाए जी जी अपने आप को। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा गोल सेटिंग की। सबसे बड़ी चीज़ होती है गोल सेटिंग। अगर आपने अपना गोल सेट कर लिया, गोल सेट करते ही आपको 50% सफलता मिल जाती है। अक्सर होता क्या, लोग पढ़ाई तो करते चले जाते हैं, भेड़ चाल में चले जा रहे हैं, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया और पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, बीएड कर लिया, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि कई लोग तो कंपटीशन या बहुत सारी तैयारियां करने लगते हैं, या देख रहे हैं कि इंग्लिश स्पोकन ये सीख रहा है, मेरा मित्र सीख रहा है, मैं भी जाऊँ वहाँ सीख लूँ या कंप्यूटर सीख लूँ, लेकिन होता क्या है, वो अपना गोल फिक्स नहीं करते, भेड़ चाल में जाते हैं, मित्र ज़्यादातर जो कर रहे हैं वही करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि सर, सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट देखिए कि आपको इंटरेस्ट किधर है, आपकी जिधर रुचि होगी उसी प्रकार अपना आप गोल सेट करिए, और गोल सेट करने के बाद आप उसी गोल को अचीव करने वाले सक्सेसफुल लोगों से मिलिए। ये नहीं कि आपको बनना है एक अच्छा टीचर और आप जाके लॉयर के पास बैठते हैं तो आपको वो एक अच्छे टीचर बनने की सलाह कभी नहीं दे पाएगा। तो मेरा मानना यही है कि जो भी आपका गोल है उसके सक्सेसफुल लोगों से मिलिए, कुछ असफल लोगों से भी मिल लीजिए, क्योंकि होगा क्या कि आप सफल व्यक्ति से सफलता के रहस्य सीखेंगे और असफल व्यक्ति से मिलेंगे तो उससे असफलता के भी वो कमियां सीखेंगे कि जो आपको नहीं करनी है। ठीक है सर जी। तो आप जब सफल व्यक्ति से मिल जाएंगे वो आपको बताएगा, और इससे क्या होगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें पता लग जाएंगी, और आप जो सफलता उन्होंने प्राप्त की है 5 साल में वो आप 2 साल में ही कर जाएंगे। ओके बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी राय दी है अंकित कंचन जी ने, आप सभी को इसको फॉलो करना चाहिए तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप टीचर तो आप बन गए जी, ठीक है, टीचर के पद पर तो इस समय आप हैं, आने वाले टाइम की कृपा है सर जी, आने वाले टाइम में आप आगे की प्लानिंग क्या कर रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग आपकी क्या है, अब आपको किस तरफ जाना है, एक अच्छा टीचर बड़ा टीचर बनना है या फिर कुछ और भी दिमाग में माइंड में चल रहा है कि आप एक लेवल अचीव कर लिया दूसरे लेवल पर जाना है। देखिए सर, हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं एक चीज़ अचीव करने के बाद दूसरी अच्छी और अच्छे करने का प्रयास करते रहना चाहिए, और हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा कहीं ना कहीं प्रमोशन होता रहे, तो हमारी भी कुछ इच्छा है, और साथ ही साथ एक प्रोफेशन ही नहीं बल्कि हमारी समाज सेवा की भी कुछ इच्छा है। क्योंकि आप पैसा कितना भी कमा लें, कितने भी बड़े और रईस व्यक्ति बन जाए, लेकिन आपका पैसा और आप किसी के काम ना आ सके तो ये सब बेकार। तो मैं चाहता हूँ कि मैं एज अ सिविल सर्विसेज, अगर कहीं ना कहीं प्लान में कोशिश कर रहा हूँ, अगर मेरा सिविल सर्विसेज में सफलता मुझे मिलती है तो मैं समाज की सेवा के लिए भी आगे बढ़ना चाहता हूँ। समाज सेवा भी करना चाहेंगे, चाहे वो है एज अ सिविल सर्विस, एज अ सिविल सर्विसेज में कोई ऑफिसर बन के, या फिर अगर नहीं भी अगर उस लाइन में आप जानते हैं तो भी तो आप समाज सेवा लोगों की कर सकते हैं। जी सर ऑफ कोर्स जी, एज अ, हालांकि मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जिस काबिल मैं आज हूँ वो आज भी मैं कर रहा हूँ, और अगर और अच्छा हो जाएगा तो और अच्छा करने का प्रयास। ओके बहुत बढ़िया, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे कि इस समय का जो माहौल है पढ़ाई का वो बिल्कुल चेंज होता जा रहा है। जी सर, पहले क्या था कि सारे स्कूल वगैरह ओपन हो रहे थे, अब स्कूल बहुत सारे बंद भी, जैसे कोरोना काल इस समय चल रहा है, और पढ़ाई का जो माहौल है वो भी चेंज हुआ है। पहले बच्चे आदि थे कि वो ऑफलाइन उनको पढ़ना है, अब सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, तो अब उनको कैसे वो कॉम्बिनेशन बैठाना चाहिए कि ताकि वो ऑनलाइन पढ़ाई करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें, और थोड़ा सा ये भी बताइए कि ऑनलाइन पढ़ाई का क्या आजकल महत्व है। जी सर, देखिए सर, बदलाव जो है वो कहीं ना कहीं आप देखते होंगे, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, यानी बदलाव एक प्रकृति का नियम है, और व्यक्ति अगर बदलता नहीं है तो वो कहीं ना कहीं सफलता से और हर चीज़ से पीछे रह जाता है। जैसे आज आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं या बहुत सारी संस्थाएं हैं, जो कि आपने देखा होगा कि एक महामारी का समय चल रहा है, और इस लॉकडाउन में बहुत सारे बिजनेस और बहुत सारी चीज़ें ठप सी हो गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिन लोगों ने बदलाव किए उनका आज भी बिजनेस चल रहा है, वो ग्रो कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। तो मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि जिस प्रकार समाज बदल रहा है, जिस प्रकार ये संसार बदल रहा है, वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है, अपने आप को हमेशा अपडेट करने की ज़रूरत है। देखिए सर, जैसा कि आपने सुना भी होगा कि दो मित्र होते हैं जी, और दोनों ही पेड़ काट रहे होते हैं, राइट। एक पेड़ काटता है, एक पेड़ एक दिन में काट लेता है व्यक्ति, और वहीं एक व्यक्ति जो होता है वो एक पेड़ को 4 दिन लगा देता है, उसमें अंतर क्या है सर, जानना चाहेंगे जी। देखिए सर, अंतर यही है कि जो एक व्यक्ति पेड़ काट रहा है, जो एक दिन में काट लेता है, वो सबसे ज़्यादा अपना जो समय है 2-4 घंटे का वो कुल्हाड़ी में धार लगाने में देता है, प्रैक्टिस में लगाता है, ठीक है सर। और एक जो दूसरा मित्र है वो अपनी कुल्हाड़ी को धार नहीं करता बल्कि मेहनत करता रहता है और पेड़ काटने में ही लगा रहता है, इसलिए वो 4 दिन बर्बाद कर देता है। तो इस छोटी सी
कहानी से यही सीख देना चाहूँगा कि हमेशा आपको अपनी कुल्हाड़ी पर धार करते रहना चाहिए। कुल्हाड़ी का धार का मतलब यह है कि आपके अंदर जो भी क्षमताएं हैं, जो भी आपका ज्ञान है, उसको हमेशा अपडेट करते रहना चाहिए। आजकल जमाना हार्ड वर्क का नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क का है। अगर आप स्मार्ट वर्क करेंगे तो आप सफलता को जल्दी अचीव करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई की तरफ मूव करना ही पड़ेगा। सर देखिए सर, जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल ऑफलाइन कोचिंग्स और सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों को ऑनलाइन माध्यम जो है अपना लेना चाहिए। ऑनलाइन माध्यम भी बहुत अच्छा है, और आपको बता दें ऑनलाइन माध्यम जो है वो कहीं ना कहीं उसमें खर्चे भी बहुत कम हैं। जैसा कि आप देखते हैं, खर्चे और समय की भी बचत हो जाती है, तो मेरे हिसाब से तो ऑनलाइन बहुत अच्छा है। और अगर बच्चा अगर पढ़ना चाहता है तो आज एक मोबाइल की मदद से भी बच्चा बहुत कुछ कर सकता है। वही मोबाइल उसको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें दे सकता है और उसकी पढ़ाई में काफ़ी। अंकित जी बहुत अच्छे से आज आपने अपने बारे में सबको बताया और गाइड भी किया कि कैसे उनको अपनी तैयारी करनी चाहिए, कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। तो लास्ट में मैं ये जानना चाहूँगा कि आज का सेशन में आपको आकर कैसा लगा और क्या आप हमारे व्यूअर्स को कहना चाहेंगे? जी सर, मैं आपको बताना चाहूँगा आज का सेशन मुझे आपके साथ रह के मुझे वाकई हृदय से बहुत अपार हर्ष हो रहा है सर। और मैं ये चाहूँगा कि मैं और ही अच्छे कहीं पद पर या कहीं ना कहीं सिलेक्टेड हूँ या मैं सफल हूँ और मुझे बन सके ये चांस मिले। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद। सौभाग्य होगा जी, सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद अंकित कंचन जी आज आपका हमारे इस सेशन में आने के लिए, और बहुत ही अच्छे वे में आपने जो भी इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं उसका भी आंसर दिया, अच्छे से स्टाइल में आपने सारे जितने व्यूअर्स हैं उसको अपनी सारी जानकारी दी कि कैसे आपने सफलता हासिल करी। बताना चाहेंगे व्यूअर्स फ्रेंड्स कि अंकित कंचन जी ने बहुत ही स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। एक जब छोटे थे, टेंथ से थे, तभी से इनका स्ट्रगल शुरू हो गया था। आज दोस्तों इन्होंने गवर्नमेंट टीचर पर एक सफलता हासिल करके अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं और एक अचीवमेंट लिया है अपनी लाइफ में। आने वाले टाइम में भी अंकित कंचन जी बहुत अच्छे प्रयास करते रहेंगे और अपने आप को और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो मैं कहना चाहूँगा साथियों कि आप लोग भी कोशिश करें, आप लोग भी अंकित कंचन की तरह अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, सफलता हासिल कर सकते हैं। बस लगे रहना है, अपने गोल को सेट करना है, उसके बाद में अचीव करने के प्रयास करने हैं। अगर आप प्रयास करेंगे दोस्तों आपको सफलता 100% मिलेगी। जैसे कि अंकित कंचन जी ने बताया 110% कोशिश करो आप लोग, तभी आपको सफलता 100% मिलेगी और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। तो साथियों मैं आप सभी को कहना चाहूँगा, आज अगर आपको अंकित कंचन जी का सेशन अच्छा लगा हो हमारे साथ में, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें ताकि दोस्तों उनको भी मोटिवेशन मिले, प्रेरणा मिले, वो भी प्रेरणा पाकर दोस्तों अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। अगर दोस्तों आप किसी एक ही भी जिंदगी बदलने में अगर आप कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं तो दोस्तों आपके लिए सबसे बड़ा दोस्तों ये योगदान रहने वाला है और आपकी लाइफ में एक कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक पुण्य का काम होगा। तो मैं कहना चाहूँगा आप कमेंट करके बताएं कि आज का सेशन कैसा रहा, जो मैंने क्वेश्चन पूछे और उसका अंकित कंचन जी ने कैसे आंसर दिया, और आने वाले टाइम में आप लोग इसी प्रकार लगातार और सक्सेसफुल पर्सन से मिलना चाहते हैं तो उसके बारे में भी जरूर लिखें। हम लगातार इस प्रकार की सक्सेस स्टोरी आप तक लेके आते रहेंगे और आपको मोटिवेट करते रहेंगे। जितने भी साथी इस चैनल पर पहली बार आए हैं, नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी हमारी कभी नई वीडियो अपलोड हो, नई सक्सेस स्टोरी आप तक आए तो आपको सबसे पहले मिले हमारे जब भी चैनल पर अपलोड हो। तो आज का सेशन अटेंड करने के लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और स्पेशली थैंक्स करता हूं अंकित कंचन जी का जो आए हमारे सेशन में। उन्होंने आप आके हमारे सेशन में 4 चांद लगाए हैं और आप सभी लोग भी इस प्रकार आने वाले टाइम में दोस्तों आपको भी मौका मिल सकता है और आप लोग भी आकर अपनी बात को रख सकते हैं, अपनी लाइफ में जो स्टोरी है सक्सेस स्टोरी उसको सुना सकते हैं और दोस्तों दूसरों को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो आज का सेशन अटेंड करने के लिए आप सभी लोगों का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।